दोस्तों इस वीडियो में आपको SBI का पैसे निकालने वाला फॉर्म भरकर सिखाने वाला हूँ किस तरीके से इस फॉर्म को भरते हैं। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो SBI का पैसे निकालने वाला फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है आपको बता देता हूँ। तो आपका फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर की साइड आपको देखने को मिलता है डेट यानी कि दिनांक, तो आपको उस दिन की डेट डाल देनी है जिस दिन आप पैसे निकालने के लिए गए हैं। और इतना काम दोस्तों करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखता है SBI के नीचे कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है शाखा यानी कि ब्रांच। तो यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम डाल देना है जिस जगह आपकी बैंक गांव में शहर में, तो वहाँ का आपको शहर का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपने शहर का नाम डाल देता हूँ। तो इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है खाता संख्या, यहाँ पर ये कॉलम बना हुआ है। तो इन बॉक्स के अंदर आपको अपनी खाता संख्या डाल देनी है जो आपके पासबुक पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में एक एक अंक डालकर आपको पूरा इस कॉलम को फिलअप कर देना है। और इतना काम करने के बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब नीचे के साइड आपको ये वाले बॉक्स में आ जाना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी कॉलम बने हुए हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में या यहाँ पर हिंदी में, तो आपको जो सही लगता है आप उस लाइन में भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ आपको हिंदी वाले, जैसे कि यहाँ पर मुझे निकालने 1000 रुपये, तो इस वाले में इसके बीच में लिख दूंगा 1000 और कुछ इस तरीके का साइन बना दूंगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रुपए, तो यहाँ पर आपको हिंदी में लिख देना है अंकों में यानी कि अंकों में लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है कितने रुपए आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1000 रुपए। और इतना दोस्तों काम करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा देना है लास्ट में मात्र। दोस्तों इतना काम करने के बाद इसमें आपको अब कुछ भी नहीं भरना है। और नीचे के साइड आपको देखने को मिलता है फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डेमो के लिए आपको एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और दोस्तों इतना काम करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे के साइड आपको देखने को मिला है कार्यालय उपयोग हेतु यानी कि फॉर ऑफिस यूज। इस वाले बॉक्स में आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये बैंक वाले ही भरते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। ये फॉर्म आपका पूरा फिलअप हो चुका है। आप जिस भी दोस्तों जिसका खाता है आप इसलिए फॉर्म भर रहे हैं, आपके खाते के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उसका साइन चाहिए होगा। तो यहाँ पर आपको अपना साइन कर देना है जिसका भी खाता है। और साइन दोस्तों करने के बाद आपको अपने फॉर्म को कुछ इस तरीके से पलटना है। और यहाँ पर आपको जो ब्लैंक जगह दिख रही है तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार साइन कर देना है। अगर आगे वाला साइन जो है वेरिफिकेशन के लिए सही नहीं होगा तो इस वाले से साइन से काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका था SBI का पैसे निकालने वाला फॉर्म भरना। आइए दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल गई होगी यार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए।